हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो करते हैं आज की व्लॉग की शुरुआत। आज का जो सीन है, आज हम लोगों को फिर से जाना है यारी कलान, वहाँ पे उन्होंने माल उतार के रखा है तो उसको करनी है भर्ती। उसको हो गए 5-8 दिन उतार के, वो माल हो जाएगा वरना ख़राब, तो इसलिए आज उसी को भर्ती करेंगे। आज जाना था दूसरी जगह जहाँ पे हमने परसों उतराई की थी सोगामा में, तो फिलहाल व्यापारी ने बोला नहीं वो माल हो जाएगा ख़राब यारी कलान में, पहले वही भर लेते हैं। चलते हैं बिहारी कलान आज। तो ऊपर से मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, बारिश भी अचानक हो सकती है, तो अभी देखते हैं क्या रहेगा आगे का प्रोसेस। तो स्टे ट्यून गाइज। तो गाइज थोड़ी थोड़ी सी बारिश भी स्टार्ट हो गई, लेकिन मैंने फ़ोन किया व्यापारी, उसने बोला आप लोग आ जाओ वहाँ पे कुछ जुगाड़ कर लेंगे, त्रिपाला उपाला बांध देंगे 2-3, क्योंकि वो माल वरना ख़राब हो जाएगा अगर 1-2 दिन उसको और लगेंगे, तो उसको तो आज किसी भी हालत में भरना है। अभी देखते हैं क्या रहेगा आगे का प्रोसेस, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। बारिश भी स्टार्ट हो गई, तो स्टे ट्यून गाइस। आप लोग देख सकते हो कि ताबड़ तोड़ वाली बारिश हो रही है इस टाइम, तो अभी देखते हैं। अभी हम लोग रुके हुए हैं घर के पास ही, देखते हैं क्या रहेगा आगे का सीन। स्टे ट्यून गाइस। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे ये घर कैसे पहुंचा, ये दूसरे गेटअप में कैसे है। हुआ कुछ यूँ कि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई, फिर व्यापारी ने बोला आज काम नहीं कर सकते, तो उसके बाद हम घर ही वापस आ गए। तो फिलहाल मैंने चाय शाय भी पी ली, तो अभी मैं जा रहा हूँ चौड़रा हॉस्पिटल। पिछले 2-4 दिनों से मेरे हाथ में पेन बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि पेड़ से उतरते उतरते मेरे हाथ में थोड़ी सी मोच आ गई थी। मुझे लगा नॉर्मल होगा, लेकिन आज मुझे लगा कि नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा लगी है, तो डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, इसलिए मैं जा रहा हूँ मेरा डॉक्टर के पास। तो देखते हैं डॉक्टर क्या बोलेगा, क्योंकि मेरे हाथ में ना पेन बहुत हो रही है और मैं हाथ अपना पूरा नहीं खोल पा रहा हूँ। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ये मेरा राइट हैंड है, आप लोग देख सकते हो ये जो सेंटर वाला पोर्शन है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या माजरा है मेरे हाथ का। तो स्टे ट्यून गाइस। तो गाइस ये रहा मेरा हाथ, जो ये मिडल वाली फिंगर है, ये वाली इसके ठीक सेंटर में आप लोग देखो गाइज, ऐसे भी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, देखो स्ट्रेट में नहीं कर पा रहा हूँ इसको, पूरा स्ट्रेट नहीं हो रहा है मेरा हाथ, बस इससे आगे मैं नहीं ले जा पा रहा हूँ अपने हाथ को। और बीच में भी ऊपर की तरफ आपको लग रहा होगा मेरा हैंड, तो यही माजरा है गाइज आप लोग देखो, तो इसलिए डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। तो फिलहाल निकलते हैं घर से, तो स्टे ट्यून गाइज। तो गाइज फिलहाल हम लोग पहुंच गए चाडोरा, मैं इस टाइम चल रहा हूँ पुल पे पैदल, तो पुल के पार हॉस्पिटल है, अभी मैं चल रहा हूँ पैदल ही। आज मार्केट बंद ही है क्योंकि आज संडे है। ये रहा मार्केट का कुछ सीन, तो स्टे ट्यून गाइज। तो ये रहा चाडोरा हॉस्पिटल का कुछ सीन। तो गाइज फिलहाल मैंने डॉक्टर साहब को भी दिखाया, तो डॉक्टर साहब ने बोला इसमें थोड़ी मोच आई है, इसको एक बैंडेज लगाना पड़ेगा, तो वो भी देखते हैं क्या रहेगा प्रोसेस। तो गाइज फिलहाल मैं हॉस्टल से भी निकल, डॉक्टर ने पहले एक्सरे करने को बोला, तो पहले मैंने एक्सरे करवाया, तो उसके बाद फ्रैक्चर वैक्चर नहीं है शुक्र अल्लाह का, तो बस थोड़ा सा जोर लगा हुआ है हाथ में, तो डॉक्टर ने बोला एक बैंडेज लगवाओ। तो फिलहाल मैं चल रहा हूँ अभी घर की तरफ, मैंने सब पकड़ा दवाई शवाई, तो मिलते हैं आपसे घर में, स्टे ट्यून गाइस। फिलहाल तो मैं घर भी पहुंच गया, तो एक्सरे भी करना पड़ा जैसे कि आप लोगों को पता ही है, तो शुक्र अल्लाह का फ्रैक्चर नहीं निकला, बस थोड़ा सा जोर है, 2-4 दिनों में तो ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या करे ऐसे काम भी है, काम भी तो ज़रूरी करना है, देखते हैं क्या होगी अल्लाह की मर्ज़ी। तो फिलहाल तो मैं घर भी पहुँच गया, तो अभी खा लेता हूँ मैं खाना, तो स्टे ट्यून गाइस। तो गाइस ये रहा एक्सरे और ये रहा हाथ, क्रैक बैंडेज भी लगवाया मैंने, क्या करे अल्लाह की मर्ज़ी यही है, तो इसके आगे कुछ नहीं कर सकता इंसान। बोलो
ओह नो बोलो। यस इस टाइम टाइम हो गया 5, तो तब से मैं फिर सोया ही था क्योंकि पेन बहुत थी। तो फिलहाल मैंने चाय शाय पी ली, तो अभी मैं निकलता हूँ थोड़ी देर घूमने। फिलहाल मैं निकलता हूँ शॉप पे, थोड़ा सा काम भी है शॉप पे, तो थोड़ा सा घूम लूँगा अभी वहीं से, क्योंकि आदत नहीं है घर पे बैठने की, तो इसलिए इंसान बोर हो जाता है। तो चलिए गाइस, स्टे ट्यून गाइस। तो गाइज़ ये रहा हमारे विलेज का मिनी ग्राउंड। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बहुत सारे गेम्स। तो ये रहा कुछ ग्राउंड का सीन। तो इस ग्राउंड में लाइट्स भी लगा के, यहाँ पे नाइट मैच भी होते हैं, बड़े भी खेलते हैं नाइट मैच। तो आज मैं लगभग 2 महीने बाद आया, तो स्टे ट्यून गाइज़। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मैं गया था थोड़ा घूमने, तो आपको मैंने छोटा सा एक ग्राउंड भी दिखाया, वो यहाँ का प्ले ग्राउंड है। तो फिलहाल मैं घर वापस आया, तो आज दिन का तो आप लोगों को पता ही है आज दिन का प्रोसेस क्या रहा। आज तो काम पे नहीं जा सके, तो उसके बाद हॉस्पिटल वगैरह। अब क्या करें, किस्मत ही है ऐसी, तो किसी की बद्दुआ ना पूरी हो गई, किसी ने बद्दुआ की थी तो उसकी बद्दुआ पूरी हो गई। तो खैर क्या कर सकते हैं, तो फिलहाल करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड। वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।